जन्म और मृत्यु सृष्टि का नियम है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह चक्र निरंतर काल से चला आ रहा है, लेकिन इस चक्र में जब भगवान विष्णु के रूप में भगवान श्री राम की मृत्यु का समय आया तो यह चक्र और प्रकृति का नियम टूट रहा था। भगवान राम का जन्म इंसान के रूप में हो तो गया, लेकिन भगवान राम की मृत्यु होना असंभव हो रहा था। परंतु कालचक्र को बनाए रखने और चलाने के लिए जरूरी था कि प्रकृति का नियम ना रुके और ना टूटे। इसलिए भगवान राम ने अपनी मृत्यु के लिए कुछ ऐसा किया जो आपको हैरान कर देगा। तो आइए जानते हैं भगवान राम की मृत्यु कैसे हुई, लेकिन इससे पहले देवभूमि न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे हुई भगवान श्री राम की मृत्यु। भगवान राम ने त्रेता युग के सारे काम कर लिए थे, उनकी सारी लीलाएं समाप्त हो चुकी थी, उनका धरती में जीवन अवधि समाप्त होने का समय आ चुका था। भगवान राम की मृत्यु निकट आ रही थी, लेकिन समय समाप्त होने के बाद भी काल देवता यमराज भगवान राम के समीप नहीं आ पा रहे थे, उनको अपने साथ ले जा नहीं पा रहे थे, क्योंकि रामदूत हनुमान जो स्वयं भगवान शंकर के रूप थे वह भगवान राम के प्राण रक्षक थे। हनुमान शंकर जी का रूप है, शंकर साक्षात महाकाल का रूप है। महाकाल से उसके आराध्य और भगवान राम के प्राण छीन कर ले जाने की हिम्मत न यम में थी और न ही किसी और देवता में। अब समस्या यह थी कि भगवान राम की मृत्यु की घड़ी निकट आ चुकी थी, लेकिन उनकी प्राण रक्षा के लिए हनुमान जी पहरेदार बनकर बैठे थे। कालचक्र और समय चक्र को आगे बढ़ाने के लिए भगवान राम की मृत्यु होना और उनका स्वर्ग धाम जाना जरूरी था। ऐसे में भगवान राम ने एक उपाय निकाला और अपनी मुद्रिका यानी कि अंगूठी महल के एक छेद में गिराकर हनुमान जी को खोजने के लिए भेज दिया। भगवान राम की आज्ञा पालन करने के लिए हनुमान जी सूक्ष्म रूप लेकर उस छेद से अंदर मुद्रिका की खोज में पाताल लोक तक चले गए। पाताल लोक में हनुमान की भेंट नागों के राजा वासुकी से हुई। उनसे भेंट करते हुए हनुमान जी ने अपने पाताल लोक आने का कारण राजा वासुकी को बताया। वासुकी हनुमान की बात सुनकर हनुमान जी को नागलोक के उस स्थान पर ले गए जहाँ मुद्रिकाओं का पहाड़ बना हुआ था। वासुकी ने हनुमान जी से कहा कि आपको यहाँ आपके प्रभु की मुद्रिका जरूर मिल जाएगी, आप इन मुद्रिकाओं में से भगवान राम की मुद्रिका पहचान कर ले जाइए। मुद्रिकाओं के पहाड़ में भगवान राम की मुद्रिका तलाश करना हनुमान जी को बहुत मुश्किल दिख रहा था, परंतु फिर भी हनुमान जी ने एक मुद्रिका उठाई और वह मुद्रिका भगवान राम की थी। फिर हनुमान ने दूसरी मुद्रिका को देखते हुए उसको उठाया तो वह भी भगवान राम की ही थी। धीरे धीरे हनुमान जी ने अनेक मुद्रिका देखी तो सब उनके प्रभु श्री राम की ही थी। इन सब को देखकर हनुमान जी आश्चर्य से भर गए और सोचने लगे ये कैसा रहस्य है। तब नागों के राजा वासुकी ने इस रहस्य को उजागर करते हुए हनुमान को बताया कि समय चक्र और काल चक्र अपनी गति से घूम रहा है, जो आया है वह जाएगा और जो जन्मा है वह मरेगा जरूर, परंतु आप समय और काल चक्र के नियम बदल रहे थे। इस चक्र में भगवान राम की मृत्यु समय भी निश्चित हो चुकी थी, आप उस काल चक्र में बाधक बन रहे थे, अतः आपको मुद्रिका के बहाने पाताल भेजकर भगवान राम ने मृत्यु को प्राप्त कर समय और काल चक्र के नियम को बनाए रखा। इस तरह भगवान राम की धरती यात्रा समाप्त हुई और वह स्वर्ग धाम में प्रस्थान कर गए। ऐसी ही धार्मिक कहानियों और हिंदू त्योहारों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें देवभूमि न्यूज़।